राज्य की उपराजधानी में दिन दहाड़े एक महिला से 6,70,000 रुपए की लूट हो गई। महिला रेणु सिंह यूनियन बैंक में पैसा जमा करने गई थी। लंच का समय होने के कारण वो बैंक के बाहर इंतजार कर रही थी। दरअसल लंच आवर होने के कारण वो बैंक के सामने अपनी गाड़ी पार्क कर उसमें बैठकर इंतजार करने लगी। इस दौरान उनका पोता अनिमेश स्कॉर्पियो से निकलकर बाहर टहलने लगा। तभी अचानक बाइक सवार दो युवक स्कॉर्पियो के नजदीक आकर रुके और स्कॉर्पियो का गेट खोलकर पर्स उठाकर भाग गए। हालांकि स्कॉर्पियो से बाइक सवार का पीछा भी किया गया, लेकिन बदमाश चकमा देकर नजरों से ओझल हो गए, जिसके बाद पीड़ित नगर थाना पहुंचे और थाने में लिखित आवेदन देकर रुपए की बरामदगी की गुहार लगाई। आप लोग किस चीज में थे? स्कॉर्पियो में पीछे रखे हुए थे, गेट रखा पकड़ गेट खोल के खड़ी रहे जब तक। कितना पैसा था? 2,06,70,000। 2,65,000 निकाले थे। हमने पैसा निकाला था 6,65,000 रुपया, और अबाउट 1:45 बज रहा था। उसके बाद हम लोगों को जमा करना था यूनियन बैंक, कैनरा बैंक जो सॉरी यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक जो है वो गांधा सिनेमा रोड के पास, उसमें जमा करना था। तो हम लोग यहाँ से पैसा निकाल के गए और जो फॉर्म और RTGS का हमारे पास फॉर्म था, तो हम घर से फॉर्म लिए। तो उसके बाद वो फॉर्म लेके हम लोग जैसे ही वहाँ बैंक के पास पहुँचे तो गाड़ी लगा हुआ था, बैंक में लंच था, तो हम गाड़ी से उतर के, दादी मेरी गाड़ी में थी, जैसे ही वहाँ से निकले सडनली वो फिर बैंक बंद था, तो हम खड़े हो गए। तब तक उधर लड़के कुछ दो लोग थे, पल्सर पे ब्लैक शर्ट पीछे वाला था, वो गेट खोल के पर्स, लेडीज पर्स में दादी बैठी थी उनके पर्स में पैसा था, वो लेके सडनली अपोजिट भागा। हमने घूम के पीछा किया, लेकिन तब तक वो लोग इतना तेज में थे कुछ समझ में नहीं आया और रसीदपुर की तरफ निकल गया। उस पर्स में पहले से कुछ पैसा था, 5,000 जरूर था, उसके ऊपर ही था, आधार कार्ड मोबाइल वगैरह था, उसमें दो नंबर था, पैन कार्ड वोटर कार्ड और भी कुछ कुछ सामान थे जो नॉर्मल थे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।